Bismillahirrahmanirrahim. My name is Dr. Saqib Iqbal and welcome to lecture number 14. Today we will talk about ethics and social media, which is in continuation of the previous lecture. In the previous lecture, what we studied was that what are ethics and why are they important in social media context. And we also studied some theories which have been given by some scientists and some professionals in this field, that how we can adopt theories and how can we adopt old rules which are applicable to other fields in the social media and also on the social media website, and how can we adopt the rules which are applicable in general information technology field. And we looked at some social morals which are regarded as valuable ethics in the society and also in the professional field. And we saw that how we can borrow those rules from general fields and can apply them on social media websites. And then we also see that how different kind of theories which have been given in other fields, in social studies field especially, how they can be implemented in ICT or in social media websites. And then we also saw that there are some new technologies which are coming, and there are, because of those new technologies, new issues are arising, and how with the introduction of new issues, ethical values are changing with the passage of time. And we also saw that this technology is progressing with immense pace, and with this progress in the technology, such issues are arising which have never been heard before, or such issues are coming which were never part of the old rule and old laws which were implemented in other fields. So because of the progress in information technology, new challenges which are arising, how to deal with them, and how to define new laws, or how to define or modify old laws which were applicable in the general field. तो आज हम उसी को ही continue करेंगे, और उसके अंदर हम ये देखेंगे कि social media के context में वो कौन से example issues हैं जो कि commonly लोगों को face करने पड़ते हैं. उसके अंदर डिफरेंट एरियाज हम देखेंगे. सबसे पहले हम देखेंगे व्हाट आर द प्राइवेसी इश्यूज व्हिच आर अराइजिंग इन द सोशल मीडिया कॉन्टेक्स्ट, व्हाट आर द प्रॉपर्टी रिलेटेड इश्यूज, व्हाट आर द टीचिंग रिलेटेड इश्यूज एंड फ्रेंडशिप रिलेटेड एंड एटसेट्रा. सो इन द प्राइवेसी रिलेटेड इश्यूज, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल टॉक अबाउट द क्वेश्चंस व्हिच आर अराइजिंग एंड व्हिच आर डिफरेंट टू द ट्रेडिशनल इश्यूज. फॉर एग्ज़ाम्पल, फॉरगिव एंड फॉरगेट, ये अगर आप देखें, अगर हम ट्रेडिशनल लॉज की रोशनी के अंदर देखें, तो एक फॉरगिव एंड फॉरगेट का रूल हुआ करता था. ठीक है, हमारी सोसाइटी के अंदर अगर हम देखें, तो बड़े से बड़ा भी अगर हम प्रॉब्लम एक दूसरे के साथ क्रिएट कर लेते थे, या बड़े से बड़ा इशू भी अगर सोसाइटी में हो जाता था, तो उसके अंदर एक फॉरगिव एंड फॉरगेट का एक कॉमन लॉ है जो कि हर सोसाइटी के अंदर एग्जिस्ट करता है. और इसी तरह प्रोफेशनल फील्ड के अंदर भी होता था कि अगर आप प्रोफेशनल लेवल पे, अगर आपका कलीग्स के साथ कोई प्रॉब्लम है या उन लोगों के साथ जिनके साथ आप काम कर रहे हैं, तो उसके अंदर फॉरगिव एंड फॉरगेट का होता था कि या तो माफ़ कर दिया जाता था, और अगर माफ़ कर दिया जाता था तो उसे भूल भी जाया जाता था. ठीक है, लेकिन अगर हम इसी रूल को अप्लाई करें आजकल के सोशल मीडिया कॉन्टेक्स्ट में, तो ये बहुत मुश्किल लगता है. उसकी वजह ये है कि जब हम कॉमन लाइफ में कोई प्रॉब्लम करते हैं एक दूसरे के साथ, फॉर एग्जांपल अगर आपने किसी के साथ थोड़ी डिसऑनेस्टी की, या किसी को कभी चीट किया, तो अगर अगले बंदे ने आपको माफ़ कर दिया तो वो फिर उसको भूल भी जाता था, और फिर वो आपके साथ ताल्लुकात उसी तरह रखता था जिस तरह पहले हुआ करते थे. लेकिन अगर आप सोशल मीडिया के कॉन्टेक्स्ट में देखें, तो ये बहुत मुश्किल होता जा रहा है, क्योंकि हर चीज़ रिकॉर्डेड है. जो भी आप बात कर रहे हैं वो रिकॉर्ड में जा रही है, और वो हमेशा के लिए रिकॉर्ड रहेगी. अब ये एक ऐसा मीडियम है जिसने ख़त्म नहीं होना, और क्योंकि उसकी मल्टीपल कॉपीज़ मौजूद हैं, और इंटरनेट के अंदर जो सर्वर में चीज़ जा रही है वो रिकॉर्ड का हिस्सा बन रही है. अब आपकी कॉमन लाइफ भी रिकॉर्ड का हिस्सा बनते जा रही है, और आपके कॉमन लाइफ के मामलात भी रिकॉर्ड का हिस्सा बनते जा रहे हैं.
तो अगर हम इसको इस एंगल से देखें तो दिस इज ऑल टुगेदर अ डिफरेंट सिचुएशन फ्रॉम आवर डे टू डे कम्युनिकेशन विद अदर पीपल एंड डे टू डे इंटरेक्शन विद अदर पीपल इन द सोसाइटी. फॉर एग्जाम्पल, अब आप दोस्तों से बात भी कर रहे होते हैं तो वो रिकॉर्ड का हिस्सा बन रही है, क्योंकि अगर आप फेसबुक के अंदर चैटिंग कर रहे हैं तो वो इट विल ऑलवेज रिमेन देयर. उसके एग्जाम्पल, अगर आप एक यूट्यूब के ऊपर आपने अपने दोस्त के वीडियो के ऊपर कमेंट किया है तो आप जाके देख सकते हैं कि जो कमेंट आपने पिछले साल किया था या 2 साल पहले किया था वो अभी भी वहीं मौजूद है, ठीक है. और अगर वो कमेंट हर्टफुल है और उस दोस्त के लिए दोस्त को बुरा लगा है तो इट विल ऑलवेज रिमेन इन द रिकॉर्ड एंड वेन एवर दैट फ्रेंड विल व्यू दैट कमेंट इट विल हर्ट हिम एज इट हर्ट हिम ऑन द फर्स्ट डे. सिमिलरली ऑन द फेसबुक, if you are sharing some stuff with other people which other people don't like, then it will remain part of the record for forever, and whenever they will look at it the same feelings will come back. So forgive and forget ka jo hamara social society ke andar issue hote the aur jo ye law implement hota tha wo ab totally change ho chuka hai. Aur fir hum ye bhi dekhte hain ki social life mein to aapki cheez record nahi hoti, ठीक है, सिर्फ मेमोरी में रिकॉर्ड होती है, ठीक है. और इंसान की मेमोरी जो है वो वक्त के साथ साथ जो है उसके अंदर तब्दीली आती जाती है, और बंदा वो बातें याद रखना चाहता है जो वो खुद चाहता है कि याद रहें, अदरवाइज वो आपके जहन से निकलती जाती हैं. और किसी बंदे ने आपके साथ अगर बुरा भी किया है तो अगर आप उसको माफ़ करना चाहते हैं तो फिर आपके जहन में उसके खिलाफ कोई बात नहीं आती, क्योंकि अगर आप दिल से चाहते हैं कि आप उसे माफ़ कर दें. लेकिन फेसबुक के ऊपर अगर आपने उसके साथ कोई ऐसी बात कर दी है जो उसके लिए हर्टफुल है तो वो रिकॉर्ड में रहेगी, और वो आज से 10 साल बाद, 15 साल बाद, 20 साल बाद भी आपको याद करवा सकता है कि आपने उस सर्टन मौके पे ये बात की थी, और देखो ये रिकॉर्ड का हिस्सा है, मुझे तो भूल गई थी लेकिन मैं अभी 10 साल पुराना रिकॉर्ड देख रहा था तो आई जस्ट केम अक्रॉस दिस एंड यू हैव डन, यू डिड दिस टू मी ऑन दैट ओकेजन, ठीक है. एंड मे बी बिकॉज रीडिंग दैट अगेन those feelings might come which were gone 10 years ago, ठीक है. अब इसी तरह मैं छोटी सी एक और मिसाल देता हूँ, अगर आपको ये बात नहीं समझ आई, अगर आपने किसी को बर्थडे विश नहीं किया, ठीक है, इस साल नहीं विश किया 2013 में, तो आज से 5 साल बाद 2018 में भी अगर वो बंदा चाहेगा तो फेसबुक के ऊपर जाके 2013 के प्रोफाइल में देख के आपको बता सकता है कि यू डिड नॉट विश मी इन 2013. You did wish me in 2014 and in 15 and in 16 because that has become part of the record, but you did not do that in 2013 and I minded it and it did not feel good to me, so I still mind it, why didn't you wish me. I mean log is tarah ke nahi hote, or this is a very trivial issue and it should not be taken so much seriously, but still because it has become part of a record. सो फॉरगिव एंड फॉरगेट की जो पॉलिसी थी वो अब एग्जिस्ट नहीं करती सोशल मीडिया के कॉन्टेक्स्ट में. व्हाट वाज ऑनलाइन कैन बी फाउंड ऑलवेज, ठीक है. ये थ्योरी अगर आप इन डिटेल पढ़ना चाहते हैं तो ये ब्लैंचेट एंड जॉनसन की स्टडी है 2002 की, उनका पेपर है जो कि मैंने एंड में उसके रेफरेंसेस दिए हुए हैं, तो अगर आप उसको स्टडी करें तो आप ये वाला फॉरगिव एंड फॉरगेट का उन्होंने इसको डिटेल में मेंशन किया. उसके अंदर उन्होंने बताया कि ऑब्लिगेशन टू प्रोटेक्ट द फ्यूचर प्राइवेसी इंटरेस्ट्स ऑफ चिल्ड्रन एंड टीन्स. एक उसके अंदर उन्होंने खैर ये बताया है कि फॉरगिव एंड फॉरगेट को कैसे चेंज कर दिया गया. फिर इसी तरह का एक रिलेटेड पेपर है वो ब्लो एंड वेस्टर का है 2011 का, उसमें ये भी कहा है कि हमें देखना पड़ेगा कि फ्यूचर प्राइवेसी इंटरेस्ट जो चिल्ड्रन और टीन से रिलेटेड है उनके बारे में हमें स्पेसिफिकली कंसंट्रेशन करनी पड़ेगी. उसकी वजह क्या है कि चिल्ड्रन और टीन्स जो होते हैं वो इमेच्योर होते हैं, ठीक है, वो लाइफ के उस हिस्से में होते हैं, उन्हें पता नहीं होता कि कौन सी बात करनी है, और उन्हें ये भी एहसास नहीं होता कि एवरीथिंग वट एवर दे आर सेइंग और शेयरिंग और पोस्टिंग ऑन इंटरनेट दैट इज बिकमिंग पार्ट ऑफ अ रिकॉर्ड एंड इट विल रिमेन फॉर एवर देयर एंड मे बी इन द फ्यूचर वेन दे आर सम काइंड ऑफ पोजिशन और वेन दे आर अप्लाइंग फॉर सम काइंड ऑफ अ जॉब or if for example they are running presidential election, for example if they had done some kind of mistake during their teenage and they put that mistake on website or on a social media,
then it has become a part of a record, and anybody can take that and show that on the media and can defame that or can hurt them badly professionally or socially. ठीक है, for example, अगर अगर कुछ ऐसी pictures हैं, ठीक है, वो teenager show कर देते हैं, share कर देते हैं media के ऊपर, social media पे, या children अगर post कर देते हैं, तो बाद में जब वो professional life में जाएंगे, तो वो as a some kind of judgment on their personality बन सकता है, ठीक है, or was it could be presented on some kind of a medium as a proof that they had done that in the past. So इस पेपर के अंदर ये बात की गई है कि कोई इस तरह के रूल्स हमें जरूर बनाने पड़ेंगे जिसके अंदर हम कम से कम चिल्ड्रन और टीन्स की तो प्राइवेसी की प्रोटेक्शन कर सकें और उसके वो डेटा साथ साथ में डिलीट होता रहना चाहिए क्योंकि इफ अ पर्सन हु इज 60 और हु इज मोर देन 60 ही इज मैच्योर इनफ एंड ही नोज व्हाट ही शुड पुट ऑन द मीडिया and he knows that what kind of talk he should have on the media because he knows that it is becoming part of a record and it can be brought up by anybody in the future. But a person who is still in immature age and who is still a teenager, they don't have that kind of thought about the consequences of their posts on the media. So there should be some kind of protection policy. इसके एक example बनती है जो कि stress and effect के तौर पर भी पेश की जाती है. Stress and एक actress है American and उसकी 2003 के अंदर उसके कुछ pictures ली गई थी उसके bungalow की and then they were posted on the internet और वो pictures normal life की थी. I mean उसकी family की pictures थी और उसकी थी उसके बंगलों की and then they were posted on the internet and then what happened that Streisand ने जो जिस website ने उसको post किया था उसके ऊपर sue कर दिया था और उसके ऊपर एक मुकदमा किया था कि मेरी private life को violate किया गया, मेरी private life protection को और मेरी personal चीजों को share किया गया, तो उन्होंने कुछ sue किया था कि मुझे इसका हर्जाना दिया जाए उस company की तरफ से. और बाद में ये केस काफ़ी अरसा चलता रहा और फिर बाद में ये केस वापस भी ले लिया गया. 2005 के अंदर एक आर्टिकल छपा था जिसके अंदर इसे स्ट्रेसेंड इफेक्ट के नाम से पेश किया गया था और उसमें बताया गया था कि स्ट्रेसेंड ने ये खुद अपनी पिक्चर्स उन मीडिया को भेजी थी और चूंकि उस टाइम पे स्ट्रेसेंड को टीवी शोज नहीं मिल रहे थे या मूवीज़ नहीं मिल रही थी, उसको काम कम मिल रहा था, तो शी वॉन्टेड टू बी इन द लाइमलाइट, शी वॉन्टेड टू बी इन द न्यूज, सो शी डिड दैट डेलिबरेटली एंड शी दिस वॉज सम काइंड ऑफ कॉन्स्पेरेसी टू गिव हर सेल्फ सम पॉपुलैरिटी. फिर उस पॉपुलैरिटी को उसे फायदा भी हुआ और उसको काम मिलना शुरू हो गया और इसको फिर उन्होंने स्ट्रेसेंड इफेक्ट का नाम दिया कि बहुत सारे लोग जो हैं इस फिनोमेना को यूज करते हैं टू गेन सम काइंड ऑफ पॉपुलैरिटी. अब इसके अंदर हमें देखें कि इसमें प्राइवेसी इशू है लेकिन इसके अंदर एक टोटली न्यू एंगल आया है कि सोशल मीडिया के ऊपर कुछ लोग खुद से मटेरियल पोस्ट करते हैं. हमने लास्ट लेक्चर में बात की, वो खुद से डेटा शेयर करते हैं, तो द डेटा विच दे आर शेयरिंग देमसेल्व्स, डज इट कम अंडर काइंड ऑफ प्राइवेसी प्रोटेक्शन और शुड बी कंसिडर्ड एज अ पब्लिक डेटा. तो इसके अंदर ये इशूज भी देखने पड़ेंगे. कॉन्सेप्ट ऑफ प्राइवेसी चेंजिंग, सो ऑब्वियसली प्राइवेसी इज चेंजिंग. ठीक है, इसका आप क्या चीज़ प्राइवेसी में शामिल है और क्या नहीं है. ठीक है, जो चीज़ आप खुद से शेयर करेंगे उसे हम कितना प्राइवेट कंसिडर करें और उसकी कितनी प्रोटेक्शन होनी चाहिए. एवरीवन मेक्स मिस्टेक्स, नो वन इज एक्सपेक्टेड टू बी परफेक्ट. अब हर बंदा गलती करता है लेकिन अगर आप इंटरनेट पर गलती करेंगे दैट कुड बी a grave mistake by you and that could affect your personal or professional life kyunki internet pe galti jo hai that will become part of a record and it will always remain there since what one has done is always available. theek hai, aur expectations of online privacy can be expect to not be known. ab kya aisa ho sakta hai ki hum online to ho lekin kisi ko hamara pata na chale, ya agar hum online बातें शेयर तो करें लेकिन वो एनोनिमस रहें. उसकी मिसाल मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में भी दी थी और मैं कुछ और एग्जांपल्स भी दूंगा कि
कि क्या आप ये समझते हैं कि आप ऑनलाइन तो हैं लेकिन आप सिर्फ उतने विजिबल हैं जितना आप चाहते हैं और बाकी लोगों को आप विजिबल नहीं हैं। तो इसकी प्रीवियस एग्जांपल ये थी कि अगर आप, फॉर एग्जांपल मैंने मिसाल ये दी थी कि अगर आपका एक फ्रेंड है ए और फिर आपके तीन और फ्रेंड हैं बी सी एंड डी। अब ए जो है वो बी सी एंड डी का फ्रेंड नहीं है, वो सिर्फ आपका फ्रेंड है, ठीक है, आपके ये चारों फ्रेंड है ए बी सी डी, लेकिन ए आपका फ्रेंड है, ए बी सी डी का फ्रेंड नहीं है, ठीक है। अब ए अगर किसी चीज को शेयर करता है, किसी फोटो को शेयर करता है या किसी पोस्ट को शेयर करता है, तो ए ये समझ रहा है कि वो बात सिर्फ आप तक पहुंचेगी क्योंकि आप उसके फ्रेंड हैं और उसने जो चीज शेयर की है वो सिर्फ उसके दोस्त ही देख सकेंगे। तो अब वो ये एक्सपेक्ट कर रहा है कि कोई और नहीं देख सकता दोस्तों के अलावा, तो वो ये एक्सपेक्ट कर रहा है कि सिर्फ आप देख सकेंगे, बी सी डी नहीं देख सकेंगे। लेकिन अब अगर आपने उस पोस्ट को रीशेयर कर दिया या अगर आपने उस पोस्ट पे लाइक किया या उसको कमेंट किया तो क्या होगा, चूंकि बी सी डी आपके दोस्त हैं तो बी सी डी भी देख सकेंगे क्योंकि कमेंटेड और लाइक्ड जो पोस्ट होती है वो आपके दोस्तों के साथ शेयर होती है। अब देखिए, ए को पता भी नहीं चला और आपके दोस्त जो बी सी डी है उन्होंने भी ए की पोस्ट को देख लिया, ठीक है। तो अब ए ये समझ रहा है कि वो सिर्फ विजिबल है लिमिटेड लोगों को, लेकिन असल में आप लिमिटेड लोगों को विजिबल नहीं होते, एंड यू कैन नेवर रिमेन्स अननोन फॉर एवर ऑन इंटरनेट, ठीक है। तो दैट थिंग कैन बिकम पब्लिक एट एनी टाइम और एनी बॉडी इन योर सर्कल कैन मेक इट पब्लिक। तो राइटिंग टू आर सी, अदर चैट, बुलेटिन बोर्ड और ब्लॉग, न्यूज़पेपर, कमेंट सेक्शन एक्सपेक्टेड टू बी एनोनिमस। अगर आप अपना आईडी एनोनिमस भी रख दें तो क्या आप ये एक्सपेक्ट करते हैं कि जो आप चैटिंग पे लिख रहे हैं या ब्लॉगिंग पे लिख रहे हैं या किसी फोरम पे लिख रहे हैं या सोशल मीडिया की किसी वेबसाइट पे लिख रहे हैं, तो क्या वो हमेशा एनोनिमस रहेगा और क्या वो आपके साथ एसोसिएटेड नहीं होगा? तो इसकी भी कोई गारंटी नहीं है इंटरनेट के ऊपर। उसकी वजह यह है कि अगर आप एनोनिमस भी रहते हैं तो आपको पता है कि आपका एक आईपी एड्रेस है, ठीक है, वो आपके साथ हमेशा से कनेक्टेड है, एंड इफ सम ऑर्गेनाइजेशन वांट टू फाइंड आउट दैट हु हैज गिवन दीज कमेंट्स और हु हैज सेड दिस थिंग इन दिस चैट, दे कैन इजिली फाइंड इट आउट। फॉर एग्जाम्पल, आपने किसी चैट पे या किसी ब्लॉग पे, ठीक है, कोई सिक्योरिटी रिलेटेड कोई बात कर दी है, ठीक है, या मे बी कोई एक टेररिस्ट है और उसने किसी ब्लॉग पे टेररिस्ट एक्टिविटी के मुतालिक बात कर दी है, तो वो अपने आप को एनोनिमस समझ रहा है क्योंकि उसने अपना कोई आईडी नहीं दिया, कोई यूजर नेम नहीं दिया, ठीक है, और कोई पर्सनल इंफॉर्मेशन नहीं दी। तो इफ दैट टेररिस्ट इज थिंकिंग दैट ही इज एनोनिमस एंड इज नॉट गोइंग टू बी कॉट, देन ही इज ऑन मिस्टेक बिकॉज हिज आईपी इज विजिबल टू दैट ऑर्गेनाइजेशन हुज ब्लॉग इज दैट और इज इवन फॉर एग्जाम्पल एट सम पॉइंट अगर वो अपना एनोनिमस से नाम चेंज करता है तो ये जो उसका पिछला प्रोफाइल था वो तो रिकॉर्ड का हिस्सा बन चुका है, उसने जो एज ए एनोनिमस जो बातें की थी वो तो रिकॉर्ड का हिस्सा बन चुकी हैं। अब वो अपना नाम चेंज करके कोई और बातें भी करता है तो प्रीवियस बातें उसके रिकॉर्ड में शामिल हैं। तो स्टिल आई मीन यू कैन नेवर से दैट यू कैन बिकम अननोन ऑन इंटरनेट एंड यू कैन से एनी थिंग एंड इट विल नेवर कम अंडर स्क्रूटनी और विल नेवर बिकम अ पार्ट ऑफ द डेटा ऑन रिकॉर्ड। तो इज अ निक विद नो आइडेंटिफाइंग इन्फॉर्मेशन सम सॉर्ट ऑफ गारंटी फॉर एनोनिमिटी, जिस तरह मैंने आपको बताया, तो नो, अ लॉट ऑफ इन्फॉर्मेशन अवेलेबल इन मैनी केसेस, सर्चेज टू आइडेंटिफाई ईटीसी। अब ऐसा भी है कि आपने कोई चीज पोस्ट की किसी एक ब्लॉग पे या किसी एक फोरम पे, ठीक है, और आप ये समझ रहे हैं कि आपकी वो बात सिर्फ उसी फोरम के अंदर रहेगी और जो जो लोग उस फोरम को यूज कर रहे हैं या उस मीडिया को यूज कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल आपने यूट्यूब पे बात की है, फेसबुक पे की है, ठीक है, या किसी डिस्कशन फोरम पे की है, तो आप समझ रहे हैं कि सिर्फ उसी फोरम के लोग या उसी वेबसाइट के लोग ही आपकी बात को देख सकते हैं, तो आप इसमें भी गलत हैं, ठीक है। वो कैसे, उसकी मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ कि आप अगर कोई एक बात शेयर करें फेसबुक के ऊपर तो आपको पता है कि आपकी हर पोस्ट जो है वो लिंक हो रही है गूगल के अंदर। आप इसको एज ए ट्राई भी कर सकते हैं, एट होम भी ट्राई कर सकते हैं कि यू पोस्ट समथिंग
For example, you say something on your wall on Facebook and then Right. try to find the exact wording in Google. So Google will take you back to the Facebook page. And this is very strange. It should never happen, but it is a part of Google. Similarly, if you post something on some kind of a discussion forum और आप अपनी वर्डिंग को एग्जैक्ट उठा के गूगल में सर्च करें तो गूगल के सर्च के अंदर वो रिजल्ट आ जाएगा जो आपने उस बल्कि लिंक आ जाएगा उस फोरम का जिस पे आपने वो बात की थी या उसका लिंक आ जाएगा अगर फेसबुक पे आपने बात की थी तो आई मीन इट इज़ बिकमिंग द पार्ट ऑफ सर्च एंड इट इज़ बिकमिंग पार्ट ऑफ अ रिकॉर्ड तो यू कैन नेवर से दैट वट एवर आई एम सेइंग दैट विल रिमेन ऑन दैट स्पेसिफिक वेबसाइट So internet discussions not similar to physical discussion. Anyone can log them and find the information later. तो इनके ऊपर आपकी जो भी communication होती है आप उसको ऐसे ना समझें जैसे social life में आपकी communication होती है क्योंकि अगर वो company जिसका forum है या वो company जिसका वो social media website है अगर वो चाहे तो वो easily आपकी बातों की logging कर सकते हैं और ये logging करते हैं they keep record of everything whatever you are saying. And even if you delete it, it cannot be deleted from their database. So it will always remain part of the database of that organization. So people generally think that they have more privacy than they actually do. तो आप जितनी privacy समझते हैं, तो उससे कम ही होती है privacy online medium के ऊपर और internet की websites के ऊपर. Online monitoring, spyware, one generally does not know. When one is logged or monitored. अब मैंने स्पाईवेयर की आपको पहले भी बात की थी कि स्पाईवेयर इस तरह के छोटे छोटे वेबसाइट ऐसे सॉरी छोटे छोटे सॉफ्टवेयर होते हैं जो कि अगर एक दफ़ा आपके सिस्टम पे इंस्टॉल हो जाएं तो वो आपकी तमाम एक्टिविटी को लॉगिंग करते रहते हैं और आपकी तमाम एक्टिविटी को मॉनिटर करते रहते हैं कैसे वो देख ये उनको ये भी पता चलता रहता है कि आप किस किस वेबसाइट्स पे जा रहे हैं ठीक है और आप किस लिंक्स को क्लिक कर रहे हैं या आप इवन आप कौन सा यूज़र नेम एंटर कर रहे हैं कौन सा पासवर्ड एंटर कर रहे हैं तो दे टेक रिकॉर्ड ऑफ एवरीथिंग एंड एवरी मोमेंट ऑफ यू व्हेन यू आर यूजिंग इंटरनेट सो स्पाईवेयर्स इस तरह के वायरसेस बन गए हैं और ये कॉमन है व्हेन एवर यू यूज अनऑथेंटिकेटेड वेबसाइट दे ऑटोमेटिकली डाउनलोड स्पाईवेयर्स ऑन योर कंप्यूटर एंड दो स्पाईवेयर ऑटोमेटिकली रन ऑन योर कंप्यूटर And then they start monitoring whatever you are doing. So your activities could be logged somewhere, even when you are unknown to that. In open blogs, there can be no expectation of privacy, even if written with a nick. ठीक है ये एक paper है 2009 का अगर आप इस paper को पढ़ें तो इसके अंदर पूरी detail दी गई है कि जो blogs होते हैं और normally blogs open होते हैं उनके ऊपर तो आप बिल्कुल एक्सपेक्ट ना करें कि आपकी प्राइवेसी होती है एक तो वो ब्लॉग का हिस्सा बन रही है ठीक है वो ब्लॉग के जो लोग हैं वो ना सिर्फ वो उसको पढ़ रहे हैं बल्कि वो सर्च इंजन्स का भी हिस्सा बन रही है और वो बाकायदा लिंक्ड हो रही है दूसरी वेबसाइट्स के साथ भी और उसको ईजीली ना सिर्फ वो ऑर्गेनाइजेशन जो ब्लॉग को रन कर रही है वो देख सकती है बल्कि वो यूज़र जो ब्लॉग के साथ कनेक्टेड है या फिर जो वो यूज़र जो उसको सर्च के थ्रू फाइंड आउट करेंगे वो भी आपकी इन्फॉर्मेशन को देख सकते हैं तो ब्लॉग जो हैं तो वो तो बिल्कुल ही ओपन है और आप यू नेवर शुड थिंक दैट एक एनोनिमस सा ब्लॉग है ठीक है फॉर एग्जाम्पल अगर ब्लॉग है कुकिंग के ऊपर ठीक है कुकिंग के ऊपर ब्लॉग में अगर आप कोई बात लिख देते हैं तो आप ये समझते हैं कि इसके ऊपर कितने लोग आते होंगे कुकिंग के ब्लॉग पे और जितने आते होंगे बस सिर्फ वो ही मेरे ब्लॉग को देख सकते हैं ठीक है और मेरी पोस्ट को पढ़ सकते हैं तो ये आपकी गलत फहमी है क्योंकि ब्लॉग के ऊपर जो कुछ रखा जा रहा है फॉर एग्जाम्पल एक ब्लॉग्स बनाने की जो सबसे मशहूर वेबसाइट है blogger2.com अगर आप उसके ऊपर जाएँ तो वो जो है वो टोटली रैंक्ड है गूगल के अंदर और अदर सर्च इंजन्स के अंदर So whenever you will put anything on that blog, which has been developed using Blogger 2 technology, that will automatically be ranked in search engines. So if anybody is looking for something, and if the query matches with the contents of your blog, that will appear in their search results. So you should always be careful whatever you post on blog. And you should never think that data is being kept under privacy.
Okay, privacy in SOMS, in social media. SOMS is basically short for social media. तो मैं जहां भी SOMS का लफ्ज यूज करूंगा आप इसको समझ जाइएगा सोशल मीडिया की जो वेबसाइट्स हैं उनको क्या मुखातिब किया जा रहा है. पब्लिक एंड प्राइवेट ब्लर इन SOMS इट इज डिफिकल्ट टू कंट्रोल द ऑडियंस ऑफ वंस पोस्ट. ठीक है, ये 2011 के पेपर में फेसबुक के ऊपर स्टडी की गई और इसकी मैंने एग्जाम्पल्स आपको पहले दी हैं. ठीक है, कि आप जो पोस्ट शेयर कर रहे हैं इवन अगर आपने पोस्ट के ऊपर प्राइवेसी सेटिंग की हुई है और आप कुछ पोस्ट को एवरीवन शेयर करते हैं और कुछ को पब्लिक शेयर करते हैं इवन देन. मैंने आपको जब फेसबुक एक्सप्लेन कर रहा था फेसबुक उसके अंदर मैंने बताया था कि वॉल के ऊपर आप जो भी पोस्ट करें देर इज एन ऑप्शन दैट हु यू वॉन्ट टू शेयर इट विद. सो इफ यू आर शेयरिंग इट विद एवरी वन इट विल बी विजिबल टू एवरीबडी एंड इफ यू आर शेयरिंग इट विद ओनली सम फ्रेंड्स देन इट विल ओनली बी विजिबल टू दैम. Even then, even if you are having this kind of privacy setting on your post, it is visible to more people than you are thinking. So you should always be careful what you are putting on the media. Most people just do not bother, but the added illusion of anonymity promotes writing things one would not divulge of one's private life, say in blogs or similar. अब बहुत सारी ऐसी चीजें आप शेयर कर देते हैं जो कि आपकी प्राइवेट लाइफ में से होती हैं और पर्सनल होती हैं एंड यू आर थिंकिंग दैट इट आर दीज थिंग्स आर बीइंग शेयर्ड ओनली विद 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 लिमिटेड स्कोप ऑफ पीपल एंड विद लिमिटेड नंबर ऑफ पीपल बट एक्चुअली अ लॉट ऑफ पीपल कैन वॉच दैम एंड इवन दोज पीपल कैन वॉच हु यू आर नॉट एक्सपेक्टिंग. सो ऑलवेज बी केयरफुल वट यू राइट ऑन दीज ब्लॉग्स और इन सोशल मीडिया. Also, some groups such as children and elderly for different reasons have undue trust to hand over their private information to outsiders. अब ये एक और पेपर है चाई का 2008 का और उसके अंदर ये स्टडी की गई है और सर्वे के अंदर ये आइडेंटिफाई किया गया है कि स्पेशली चिल्ड्रन टीनेजर्स और जो 65 प्लस के लोग होते हैं वो ट्रस्ट ज्यादा करते हैं सोशल मीडिया के ऊपर और उसके अंदर कभी कभी वो अपनी ऐसी प्राइवेट चीज शेयर कर जाते हैं जो कि सोशल मीडिया पे उन्हें नहीं रखनी चाहिए. फॉर एग्जाम्पल अगर आप अपने दोस्त के साथ कोई पासवर्ड शेयर करना चाहते हैं किसी वेबसाइट का या इवन अपने अकाउंट का पासवर्ड आप अपनी फैमिली मेंबर के साथ शेयर करना चाहते हैं, आपके भाई ने पूछा है कि मुझे वो अपना अकाउंट नंबर बताओ, तो आपने उस अपनी पोस्ट पे या अपने भाई के साथ शेयरिंग पे आपने वो डेटा रख दिया. तो अगर तो टीनेजर्स लोग ये ज्यादा करते हैं और एल्डरली ज्यादा करते हैं 65 प्लस के कि वो इस तरह की चीजें ओपनली पब्लिक में शेयर कर देते हैं. कर तो अपने भाई के साथ या किसी जानने वाले के साथ कर रहे होते हैं बट एक्चुअली दैट इज विजिबल टू एवरीबॉडी. ठीक है, तो अब उससे क्या होता है कि फिर वो चीज जो प्राइवेट है और अगर वो अकाउंट की इंफॉर्मेशन है या कोई इंतहाई सेंसिटिव इंफॉर्मेशन है तो अगर आप बाय मिस्टेक और इवन आपको नहीं पता कि इसकी विजिबिलिटी कितनी है और आपने शेयर कर दी, क्योंकि हर बंदा तो कंप्यूटर लिटरेट नहीं होता. फॉर एग्जांपल आप कंप्यूटर के स्टूडेंट्स हैं, आईटी के स्टूडेंट्स हैं, तो आपको बेहतर आइडिया है कि हाउ टू यूज दिस काइंड ऑफ वेबसाइट्स. बट इफ अ पर्सन हु इज नॉट रिलेटेड विद इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी or who doesn't have prior knowledge of this field, it becomes very hard for them to understand that how these shares posts are shared and how these settings are implemented and how you can select privacy setting, how you can change your account and how you share with somebody in private messages. ठीक है, और especially children के पास तो ये knowledge उतना ही कम होता है. 65 प्लस ऑफ कोर्स इन 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 वेबसाइट्स पे ज़्यादा नहीं आते तो उन्हें इन वेबसाइट्स के यूज़ करने का इतना आइडिया भी नहीं होता, तो उनके लिए ये मिस्टेक ज़्यादा ससेप्टिबल होती है. पिक्चर्स इन SOMS, अब इसका बड़ा प्रॉब्लम है कि सोशल मीडिया में जो पिक्चर्स शेयर की जाती हैं, डज एनीवन एवर आस्क वेदर द पिक्चर्स दे टेक कैन बी पब्लिश्ड? मोस्ट ऑफन नॉट. अब ये एक बात की गई थी पेरिश के 2010 के पेपर में और कॉमोजो के 2011 के पेपर में कि जब आप किसी की पिक्चर ले रहे हैं किसी और दोस्त की तो क्या आपने उनको बताया कि ये पिक्चर फेसबुक के ऊपर जाएगी? आप अक्सर शेयर कर देते हैं अपने दोस्तों की पिक्चर्स, ठीक है, या जो फेसबुक के यूजर्स हैं, या आप अपनी पिक्चर शेयर कर रहे हैं लेकिन साथ में आपने किसी और की पिक्चर भी शेयर कर दी है
और किसी और की छोड़ें, जो फॉर एग्जांपल अगर बैकग्राउंड में कोई एक बंदा है, ठीक है, और आप अगर पब्लिक प्लेस पे फोटो ले रहे हैं एंड समबडी अपेयर्स इन द बैकग्राउंड, इफ यू हैव टेकन दैट पिक्चर एंड यू पुट इट ऑन फेसबुक, फॉर एग्जांपल आप किसी टूरिस्ट प्लेस पे गए हुए हैं, मरी गए हुए हैं, आपने मरी में फोटो लिया और बैकग्राउंड में एक बंदा अपेयर हुआ मरी में, और आपने उस फोटो को फेसबुक पे शेयर कर दिया, और अगर उस बंदे ने अपने ऑफिस में बताया हुआ है कि मुझे आज कोई ज़रूरी काम है और मैं छुट्टी पे हूँगा, और वो बंदा मरी में नज़र आ रहा है, और उस ऑफिस का जो बॉस है वो आपका दोस्त है, जब वो आपकी पिक्चर्स को फेसबुक पे देख रहा होगा तो वो बैकग्राउंड में देखेगा कि ये मेरा एम्प्लॉय यहाँ क्या कर रहा है, और इसने तो मुझे छुट्टी की दरख्वास्त दी थी और इसने कहा था कि मैं पर्सनल रीजंस की वजह से या इलनेस की वजह से, सिकनेस की वजह से आज नहीं आया, तो असल में ये साहब जो है वो मरी में घूम फिर रहे हैं। तो दिस कुड बी, आई मीन दिस कुड इफेक्ट दैट पर्सन लाइफ हैविली, और दैट पर्सन माइट लूज हिज जॉब, तो ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। तो इसके बड़े कॉन्सिक्वेंसेज हैं, तो इसलिए जब आपने किसी की पिक्चर ली या आप किसी की पिक्चर शेयर कर रहे हैं, हैव यू टेकन देयर परमिशन, इसके अंदर इस तरह की केस स्टडीज इन दो पेपर्स के अंदर बड़ी डिटेल में डिस्कस की गई हैं। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग पेपर है अगर आप पढ़ें इस हवाले से। टिपिकली दिस इज नॉट अ प्रॉब्लम, बट व्हाट अबाउट से द अरब स्प्रिंग। एक तो मिसाल है मैंने आपको ये दी है, एक और मिसाल अरब स्प्रिंग की है। अरब स्प्रिंग वो रेवोल्यूशन थी जो अरब कंट्रीज के अंदर, अगर आपको याद हो, आज से साल और 2 साल पहले शुरू हुई थी, इजिप्ट से शुरू हुई थी और फिर ये बाकी कंट्रीज के अंदर भी फैल गई, अरब कंट्रीज के अंदर। तो उसके अंदर अगर आपने देखा हो, सबसे पहले तो वो जो रेवोल्यूशन थी वो स्टार्ट ही फेसबुक से हुई थी, ठीक है। उसके अंदर एक आदमी का मसला था तो उसको इतना हाईलाइट किया गया इजिप्ट के अंदर, तो उससे पूरी रेवोल्यूशन स्टार्ट हो गई। तो एक तो फेसबुक ही उसका सोर्स बनी उस रेवोल्यूशन का, विच इज अगेन अनदर टॉपिक ऑफ डिस्कशन, दैट हाउ द थिंग्स विच आर शेयर्ड ऑन द सोशल मीडिया कैन चेंज द लाइफ ऑफ एंटायर नेशन और द हिस्ट्री ऑफ एंटायर नेशन। तो ये एक अलग टॉपिक है डिस्कशन का, कि जो भी आप लिखेंगे या जो भी आप पोस्ट शेयर करेंगे या जिस पे आप कमेंट करेंगे, वो एक हिस्ट्री का हिस्सा बन सकती है और वो एक पूरी नेशन की लाइफ को चेंज कर सकती है। और उसके अंदर यहाँ पर जो हम स्पेसिफिक प्रॉब्लम की मिसाल लेंगे वो हम इस पिक्चर की बात कर रहे हैं। तो पिक्चर में ये हुआ कि अरब स्प्रिंग में बहुत सारे ऐसे फोटो आए जो कि लोगों ने अपने कैपेसिटी में खींचे, अपने घर के अंदर से खींचे या रोड के ऊपर खींचे, और रिबिलियन लोगों के खींचे या फौजियों के खींचे, और फिर वो उन्होंने फेसबुक पे शेयर कर दिए, और उसकी वजह से शेयर, जब आपने फेसबुक पे शेयर किए हैं तो फॉर एग्जांपल अगर एक आम सिविलियन जो कि प्रोटेस्ट करता फिर रहा सड़क पे, आपने उसका फोटो शेयर किया, तो गवर्नमेंट की जो एजेंसीज हैं वो बैठ के फेसबुक को अगर मॉनिटर कर रही हैं तो उन्होंने वो फोटो देखे और उन्होंने उस बंदे को आइडेंटिफाई किया और उस पर घर घर पे जाके उसको अरेस्ट कर लिया या उसको मार दिया इन सिवियर केसेस। तो देखें अरब स्प्रिंग में इस तरह के बहुत सारे केसेस हुए जो कि फेसबुक की फोटो से आइडेंटिफिकेशन हुई रेबिलियंस की और रेबिलियस ग्रुप्स की। तो हाउ मेनी हैव एक्चुअली बीन किल्ड ड्यू टू हैविंग बीन आइडेंटिफाइड फ्रॉम पिक्चर्स। ऑन इरानियन इलेक्शन ऑफ 2009 एंड द फॉलोइंग राइट्स सी पेरिश 2010। अब पेरिश का पेपर है और एसआई का पेपर है 2011 का तुनिजिया और इजिप्ट पर, और पेरिश का पेपर है इरानियन इलेक्शन पर। अब इरानियन इलेक्शन के बाद वहाँ पर म्यूटनी हुई थी और उसके बाद बड़े प्रोटेस्ट हुए थे और उसके अंदर रिगिंग के इल्ज़ामात लगाए गए थे, और उसके प्रोटेस्ट के अंदर जितने लोगों ने प्रोटेस्ट किया फिर उनकी प्रोसिक्यूशंस हुई, उनको पकड़ा गया और कुछ को मार भी दिया गया ओनली बाय आइडेंटिफाइंग थ्रू सोशल मीडिया। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दैट व्हाट आर द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ द पिक्चर्स और द पोस्ट विच आर शेयरिंग ऑन दिस सोशल मीडिया। तो प्राइवेसी इज बिकमिंग एज मोर इम्पॉर्टेंट, बट प्राइवेसी इज ऑल्सो टेकिंग डिफरेंट एंगल्स एंड इट इज टेकिंग डिफरेंट काइंड ऑफ शेप्स। नाउ वी विल हैव टू अंडरस्टैंड प्राइवेसी फ्रॉम डिफरेंट परस्पेक्टिव व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट सोशल मीडिया स्पेशली।
Now, children and young people, they are more prone to these kind of privacy issues, and they are more susceptible to being victimized on social media. For example, children's privacy mein baat karein to the funny pictures presents parents put on some may come to light. We know how cruel children can be, and adults do not always think what they put on social media. अब इसके अंदर वो कुछ ऐसी पिक्चर्स होती हैं, आप समझते हैं या पेरेंट्स समझते हैं कि वो फनी है और वो अपने बच्चों की वो वाली पिक्चर्स पोस्ट कर देते हैं, ठीक है। और वो जब पिक्चर्स पोस्ट की जाती है तो अब वही बच्चा जब प्रोफेशनल लाइफ में जाएगा और जब वो कॉलेज लाइफ में जाएगा, मे बी वो वाली पिक्चर्स वो शेयर ना करना चाहे अपने दोस्तों के साथ या अपने प्रोफेशनल कोलीग्स के साथ, तो इट कैन बिकम हैजर्डियस फॉर हिम और हर, और इट कैन पोज सम काइंड ऑफ प्रॉब्लम फॉर देम इन देयर फ्यूचर लाइफ। तो अ पेरेंट्स शुड ऑल्सो बी केयरफुल व्हाट दे पुट ऑफ देयर चिल्ड्रन ऑन इंटरनेट। सिमिलरली एक अहमद का पेपर है 2011 का, जिसके अंदर उन्होंने वी लॉगिंग की बात की। वी लॉगिंग है वीडियो लॉगिंग। अब वीडियो लॉगिंग के अंदर पोटेंशियल प्राइवेसी हार्म बहुत है चिल्ड्रन का। कैसे, इसकी मैं एग्जांपल दूंगा कि अगर आप एक वी लॉगर है, उसकी मैं एग्जांपल देता हूँ। अगर आप यूट्यूब के ऊपर उसको सर्च करने की कोशिश करें, उसका नाम है शेकॉल, SHAYCARL, शेकॉल। शेकॉल्स की बहुत सारी वीडियोस हैं वी लॉगिंग की यूट्यूब के ऊपर, और उसका काम ये है कि वो पिछले 3-4 साल से मुसलसल अपने रोज़ की डे टू डे एक्टिविटी जो उसके घर की होती है उसकी वो वीडियो बनाता है और उसको यूट्यूब पे शेयर करता है। उसके बहुत सारे सब्सक्राइबर्स हैं, उसकी फैमिली में उसकी बीवी है, उसके 3 बच्चे हैं, और उनकी डे टू डे एक्टिविटी जितनी भी है, स्कूल जाने तक, वापस आने तक, प्लेग्राउंड जाने तक, या किसी होटल में खाना खाने तक, या घर के अंदर जो डे टू डे लाइफ है, वो उन उसकी वीडियो बनाकर और उसको सोशल मीडिया पर शेयर करता है। अब इससे उसको क्या फ़ायदा होता है? बेसिकली तो उसने स्टार्ट किया था एज़ फॉर फन, उसने अपने ये वीडियो को शेयर करता था और लोग उसके ऊपर कमेंट करते थे और उनको खुशी होती थी, लोग उनके घर की, क्योंकि उनकी एक हैप्पी फैमिली है, लोग उनकी तारीफ़ किया करते थे या लोग उनसे इंटरेक्ट करते थे, पूछते थे कि आपका फलां बच्चा कैसा है, कल उसने ये काम किया तो आज वो कैसा है, कल वो बीमार था, आज उसकी तबीयत कैसे है, कल उसको स्कूल में उसको पनिशमेंट मिली थी तो आज क्या उसने अपना होमवर्क कर लिया। मतलब दिस काइंड ऑफ स्टफ़ यूज़ टू बी अ फन फॉर दैम, बट देन दे स्टार्टेड इंक्रीजिंग देयर व्यूइंग पॉपुलेशन एंड दे स्टार्टेड इंक्रीजिंग देयर सब्सक्राइबर्स। तो उनके सब्सक्राइबर्स इतने हो गए कि फिर उनको यूट्यूब ने अपना पार्टनर बना लिया। मैंने आपको बिकमिंग अ पार्टनर विद यूट्यूब की भी एक्सप्लेन किया था पिछले लेक्चर्स के अंदर, कि आपके अगर सब्सक्राइबर्स बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, स्पेशली अगर 5000 से क्रॉस कर जाएँ, तो आप YouTube की पार्टनरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं, एंड देन दे विल व्यू दैट हाउ मैनी पीपल आर वॉचिंग योर वीडियोज़, हाउ मैनी दे आर कमेंटिंग ऑन योर वीडियोज़। तो वो आपके व्यूज़ जो होंगे वीडियोज़ के एक्यूमुलेट करेंगे, अगर वो वाकई सब्सटेंशियल हैं तो दे विल मेक अ पार्टनरशिप विद यू, दे विल पुट एड्स ऑन योर वीडियोज़ एंड देन दे विल गिव यू सम शेयर इन द प्रॉफिट। तो अगर आपके 5000 या 10000 से ज़्यादा सब्सक्राइबर हैं तो बड़ी एक आपको हैंडफुल पैसे मिलते हैं, और बल्कि काफ़ी हैंडसम अमाउंट मिलती है। तो अब ये शेकॉल है, इसके सब्सक्राइबर जो हैं वो अब मिलियंस तक पहुंचने वाले हैं, 1 मिलियन तक, और आई थिंक अब तक तो शायद 1 मिलियन भी क्रॉस कर, या 10 लाख से ज़्यादा उसके सब्सक्राइबर्स हैं। तो आपके अगर सिर्फ 50000 भी सब्सक्राइबर्स हैं तो यू कैन ईजली अर्न फ्यू $1000 पर मंथ, ईजली इफ यू हैव 50000। तो यू कैन इमेजिन ऑन 1 मिलियन हाउ मच वुड दे बी गेटिंग, ठीक है, शेकॉल और उसकी फैमिली। तो लेकिन अब वो इसको एज ए सोर्स ऑफ इनकम तो उन्होंने बना लिया, और अब बिकॉज दे हैव गॉट सो मैनी सब्सक्राइबर्स एंड बिकॉज दे आर गेटिंग सो मच मनी फ्रॉम यूट्यूब, so now they have to keep vlogging forever and they have to record every day, theek hai na। ab jab source of income hai to ab ye ek tarah ki unki job bhi ban gayi hai, theek hai, aap unko paise bhi aa rahe hain wahan se।
लेकिन इसके अंदर इश्यूज क्या है, इश्यूज इसके अंदर ये हैं कि अब उसके जो छोटे बच्चे हैं, जिस तरह मैंने पहले मिसाल दी, अगर वो स्कूल का काम नहीं करते, उनको स्कूल में पनिशमेंट होती है, तो अब वो चूंकि घर की लाइफ की वो वीडियो बना रहा है, तो वो बच्चों को पूछते हैं, हाँ जी आपने स्कूल में क्या किया, तो उसने बताया कि मैं स्कूल में मैथमेटिक्स में कमज़ोर हूँ, मेरी जो जो टीचर है वो हर टाइम मुझे कहती रहती है कि मैथमेटिक्स में आप कमज़ोर हैं, आपके मार्क्स कम आते हैं, आपको इसको इम्प्रूव करना चाहिए। ठीक है, मैं एक छोटी सी एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ये उसके वी लॉगिंग का हिस्सा नहीं है, लेकिन अगर वी लॉगिंग में ये इंसिडेंट हो तो देखिए उसका क्या कॉन्सिक्वेंस हो सकता है। अब फ्यूचर में वही बच्चा अगर किसी मैथमेटिकल डिग्री के लिए अप्लाई करेगा या किसी ऐसी जॉब के लिए अप्लाई करेगा जिसमें मैथमेटिक्स इम्पॉर्टेंट होगा, तो मे बी द पर्सन हु इज़ टेकिंग दिस चाइल्ड्स इंटरव्यू, और तो वो अगर वो पर्सन सब्सक्राइबर है शेयर कॉल का, तो वो कह सकते हैं कि बच्चे तो आप तो पूरे बचपन में आप मैथमेटिक्स में कमज़ोर थे, स्कूल में आप कम मार्क्स लेते थे, तो आपको कैसे हायर करें। ठीक है, तो अब ये उसके लिए एक प्रॉब्लम बन सकता है फ्यूचर में। इसी तरह इसके अलावा भी, चूंकि जब प्राइवेट लाइफ की आप चीज़ें शेयर कर रहे होते हैं, तो वो रिकॉर्ड का हिस्सा बन रही हैं। अब 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं, इसका मतलब है 1 मिलियन लोग एटलीस्ट आपके वीडियोज़ देखते हैं, तो वो 1 मिलियन जो हैं, और वो बढ़ते जाएंगे टाइम के साथ साथ, तो यही बच्चे जो आज बहुत छोटे हैं शेयर कॉल के, ये जब बड़े होंगे एंड व्हेन दे विल बिकम प्रोफेशनल और व्हेन दे विल गो इनटू सोसाइटी, तो दे कैन हैव दिस काइंड ऑफ पोटेंशियल प्राइवेसी प्रॉब्लम्स इन द फ्यूचर। और फिर पिक्चर्स वीडियो ब्रीचिंग प्राइवेसी कैन बी अपलोडेड इजिली इनफ एंड डिस्ट्रीब्यूटेड वाइडली। अब इसी तरह खान का पेपर है 2008 का, और कुछ और पेपर्स भी हैं, वो पिक्चर्स और वीडियोस का कहते हैं कि ये बहुत आसानी से शेयर हो जाते हैं, यूट्यूब पे शेयर हो जाते हैं, वी लॉगिंग के थ्रू हो जाते हैं, फेसबुक पे शेयर हो जाते हैं, तो उसके पोटेंशियल हार्म्स को हमें देखना चाहिए, और स्पेशली चिल्ड्रन के कॉन्टेक्स्ट में हमें लाजमी देखना चाहिए कि चिल्ड्रन आर इन देर टेंडर एज। ठीक है, और चिल्ड्रन की जो बातें आज शेयर की जा रही हैं और जो बातें आज फनी लग रही हैं, मे बी वो उनके लिए हार्मफुल हों फ्यूचर के अंदर, और जिनको आज आप समझ रहे हैं कि ये तो ट्रिवियल बातें हैं, दिस डोंट मैटर एनीथिंग एंड दिस काइंड ऑफ स्टफ डजंट मैटर एनीथिंग, बट व्हेन दोज पीपल विल गो इनटू द सोसाइटी और व्हेन दे विल बिकम प्रोफेशनल और व्हेन दे विल डू समथिंग सब्सटेंशियल इन देयर लाइफ, दीज आर सम काइंड ऑफ एविडेंसेस अगेंस्ट देम और दीज कैन बिकम एन एविडेंस फॉर देम। ठीक है, तो ये दे कैन कॉज अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम, सो इफ यू वॉन्ट टू स्टडी मोर अबाउट दिस काइंड ऑफ प्रॉब्लम, यू शुड कंसल्ट अहमद 2011 पेपर एंड खान्स 2008 पेपर। मैनी यंगर यूजर्स ऑफ सोशल मीडियाज और सॉम्स आर विलिंग टू ट्रेड अ लॉट ऑफ देयर प्राइवेसी ऑफ फॉर द प्रिसीव्ड गेन्स ऑफर्ड बाय सॉम्स। अब यंग जनरेशन में स्पेशली टीनेजर्स के अंदर ये बात काफी पाई जाती है कि वो इन सोशल मीडिया पे जानबूझ के भी अपना प्राइवेट डेटा शेयर करते हैं और वो ये समझते हुए शेयर करते हैं कि इसके बदले में हमें काफ़ी गेन मिलेगा या हमें कुछ काफ़ी कुछ हासिल करने को मिलेगा। उसके एक एग्जाम्पल मैं यूँ देता हूँ कि फॉर एग्जाम्पल हमारे टीनेजर्स होते हैं, वो चैटिंग करते हैं, ठीक है, अपोजिट सेक्स के साथ चैटिंग करते हैं, फीमेल मेल के साथ, मेल फीमेल के साथ। अब इस सिलसिले में अगर आप डेटिंग करते हैं, तो आप डेटिंग के लिए आप कुछ पर्सनल इन्फॉर्मेशन भी जब आप चैट स्टार्ट करते हैं उसके अंदर शेयर कर देते हैं, ये सोचते हुए कि आपको एक अच्छा पार्टनर मिल जाएगा या आपका कोई अच्छी फ्रेंडशिप हो जाएगी, तो उसके सिर्फ परसीव्ड बेनिफिट जो आप समझते हैं फ्यूचर में हो सकता है, या फिर आप किसी एक बंदे को जो कि काफ़ी रिच है, अगर आपका कोई आप देखते हैं उसको वेबसाइट पर, उसके साथ दोस्त बनते हैं, आप समझते हैं ये रिच बंदा है, मैं इसके साथ अगर कोई रिलेशनशिप्स कायम करूंगा तो फ्यूचर में मुझे कोई मॉनेटरी बेनिफिट मिल सकते हैं, या अगर ये कोई बिजनेसमैन है फ्यूचर में मेरा कोई बिजनेस ट्रांजैक्शन इसके साथ हो सकता है, मुझे कोई बेनिफिट मिल सकते हैं, तो कुछ परसीव्ड गेन्स होते हैं, परसीव्ड बेनिफिट्स हैं जो कि आप सोच रहे हैं कि वो आपको मिल सकते हैं, और उसके बदले में आप प्राइवेट इंफॉर्मेशन उनके साथ शेयर कर लेते हैं, तो क्या पता आपको वो जो फ्यूचर में बेनिफिट आपको नजर आ रहा है वो भी ना मिले और आप अपनी प्राइवेट डेटा भी उनके साथ शेयर कर बैठे। तो ऐसी सूरत में इट कैन हर्ट यू अ लॉट एंड इट कैन फिजिकली एंड इट कैन सोशली हार्म यू।
तो दे सीम टू बी क्वाइट अवेयर ऑफ द लॉस ऑफ प्राइवेसी। और ऐसी सूरत में ये वाले जो यंग यूजर्स हैं वो ये उन्हें पता होता है कि वी आर लूजिंग अवर प्राइवेसी, वी आर गिविंग दम पर्सनल डेटा, लेकिन वो ऑन पर्पज ये करते हैं, ठीक है। हाउ एवर द परसीव बेनिफिट ओवर राइड देयर कंसर्न फॉर प्राइवेसी, स्पेशली इन द केस ऑफ हैवी यूजर्स। अब जहां पर हैवी यूजर्स वेबसाइट्स हैं, जिस तरह फेसबुक और यूट्यूब है, तो इस तरह के ऊपर फिर आप जब प्राइवेट डेटा जब शेयर कर देते हैं कोई गेन हासिल करने के लिए, कोई प्रॉफिट हासिल करने के लिए फ्यूचर का, तो उसमें आपके हार्म्ड होने के और हर्ट होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। अब हम प्रॉपर्टी पे आते हैं, इमेटीरियल प्रॉपर्टी के ऊपर। लॉ को देखें कि वी नो व्हाट द लॉ स्टेट्स और डू वी। अब क्या हम जानते हैं कि कौन कौन से लॉज हैं जो सोशल मीडिया पे एप्लीकेबल हैं, या जो कुछ हम शेयर कर रहे हैं, जो कुछ हम कमेंट कर रहे हैं उस पे एप्लीकेबल हैं, और क्या लॉज आपको बताए जाते हैं जब आप सोशल मीडिया को ज्वाइन करते हैं, मेंबर बनते हैं। बेसिकली अगर आप देखें कि आप जब भी इस तरह की कोई वेबसाइट ज्वाइन करते हैं तो उसके साथ टर्म्स एंड कंडीशंस लिखी होती हैं, या लीगल टर्म्स एंड कंडीशंस भी लिखी होती हैं, तो उसके अंदर ये लॉज सारे बताए होते हैं। लेकिन वो इतना लेंदी डॉक्यूमेंट और एग्जॉस्टिव डॉक्यूमेंट होता है कि मेजॉरिटी ऑफ यूजर्स डोंट वॉन्ट टू रीड इट, दे जस्ट एक्सेप्ट इट, बट एक्चुअली द लॉज आर देयर। सो इट इज ऑलवेज बेटर दैट यू टेक सम टाइम आउट एंड यू रीड ऑल दोज लॉज, बिकॉज यू आर गोइंग टू बिकम अ मेंबर ऑफ दैट वेबसाइट फॉर योर एंटायर लाइफ, एंड यू विल बी डूइंग अ लॉट ऑफ एक्टिविटीज इन योर कमिंग लाइफ ऑन दैट वेबसाइट। सो इफ यू जस्ट टेक सम टाइम आउट नाउ एन आवर और सो, एंड इफ यू गो थ्रू दोज लॉज, दैट कैन हेल्प यू फॉर द रेस्ट ऑफ योर लाइफ एंड फॉर द रेस्ट ऑफ यूजेज विच यू विल डू थ्रू आउट योर एंटायर लाइफ। तो आपका वो थोड़ा सा टाइम जो है उसकी काफी वर्थ हो सकती है। यूजर जनरेटेड कॉन्टेंट रिलेशन टू कमर्शियल कॉन्टेंट। अब प्रॉपर्टी क्या होती है, ठीक है, आपकी क्या जो आप कंटेंट्स लिखते हैं क्या आपकी वो प्रॉपर्टी है, और आपकी प्रॉपर्टी की कितनी प्रोटेक्शन होनी चाहिए, ठीक है। उसमें कुछ आप इंटेलेक्चुअल बातें भी लिखते हैं, फॉर एग्जांपल अगर आपने एक इंटेलेक्चुअल बात शेयर की है फेसबुक पे, तो अगर कोई बंदा वही बात अपने नाम के साथ शेयर कर दे तो क्या हम इसे प्लेजरिज्म कंसिडर करेंगे। अगर आप फेसबुक पे पुराना यूजेज देखें, तो क्योंकि फेसबुक में चेंजेस आ रही हैं टाइम के साथ साथ, और इस तरह के जब नए इश्यूज उठ रहे हैं तो उसमें चेंजेस लाई जा रही हैं, ठीक है। अगर आज से सिर्फ 2 साल पहले तक देखें तो फेसबुक के अंदर अगर आप किसी की पोस्ट को शेयर करते थे, उनके नीचे शेयर की ऑप्शन होती है, तो वो फिर आपके नाम के साथ शेयर हो जाती थी, ठीक है। तो अगर आप किसी और का काम शेयर कर रहे हैं तो आपके नाम के साथ शेयर हो जाए, तो बेसिकली ये गलत है, क्योंकि वो उस बंदे का प्रॉपर्टी राइट है और उसका कॉपी राइट है उस पर, और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट है। आप उसको अगर शेयर कर रहे हैं तो यू शुड गिव सम काइंड ऑफ अ रेफरेंस टू दैट पर्सन, और यू शुड गिव सम काइंड ऑफ साइटेशन टू दैट पर्सन, दैट एक्चुअली दिस पोस्ट बिलोंग टू दैट पर्सन एंड आई एम जस्ट शेयरिंग इट, सो दिस इज नॉट माई इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। तो पहले ये ऐसा नहीं होता था, आप एज इट इज शेयर कर लेते थे, लेकिन आजकल जो नया फेसबुक है जी, या जो करंट फेसबुक का एडिशन है, उसके अंदर जब आप दूसरे की शेयर करते हैं तो वो एज अ वाया लिखा हुआ आ जाती है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल इफ माई नेम इज ए एंड आई एम शेयरिंग बीज पोस्ट, देन इट विल कम ए वाया बी, कि ये पोस्ट एक्चुअली बी की थी या बी के थ्रू आई है ए के पास, ठीक है। तो नाउ दे आर ब्रिंगिंग दीज न्यू चेंजेस इन दैम, बट एवरी सोशल मीडिया वेबसाइट हैज नॉट इम्प्लीमेंटेड दिस काइंड ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी प्रोटेक्शन थिंग इन देयर वेबसाइट्स। तो अब इसके प्रॉपर्टी में क्या क्या शामिल होता है, क्या यूजर जनरेटेड कॉन्टेंट ही शामिल है, या रिलेशनशिप तो कमर्शियल कंटेंट भी शामिल है। आप कमर्शियल कंटेंट भी इसके ऊपर काफी आता है, कुछ लोग वेबसाइट्स को एज ए कमर्शियली भी यूज करते हैं, ठीक है, सोशल मीडिया वेबसाइट पे, तो और या फिर जो कमर्शियल कंटेंट उस ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से जनरेट किया जाता है, क्या वो सिर्फ प्रॉपर्टी लॉज के अंडर आता है, या जो यूजर भी जो कुछ लिखता है वो उसका प्रॉपर्टी राइट है कि नहीं है, इसके ऊपर भी डिबेट बनती है और इसको भी एथिकली कंसिडर करना चाहिए। वट इज लीगल एंड वट इज राइट डू नॉट ऑलवेज मीट।
अब क्या लीगल है और क्या राइट है, ये हमेशा एक्यूरेटली फॉलो नहीं किया जाता। बेसिकली ऑल यंग जनरेशन मेंबर्स हैव मिक्स्ड और यूज्ड कॉपीराइट प्रोटेक्टिव मटेरियल्स इलीगली और एटलीस्ट विदाउट परमिशन। तो बहुत सारी दफ़ा, बल्कि आप भी करते होंगे इस तरह, और बहुत सारे फेसबुक के यूज़र्स ऐसा करते हैं कि वो कोई भी मटेरियल वेबसाइट से, किसी और वेबसाइट से उठाते हैं और उसको यूट्यूब पे या फेसबुक पे अपने नाम के साथ शेयर कर देते हैं। या आप किसी की कोई वेबसाइट उठा के, किसी की कोई वीडियो उठा के, कोई पिक्चर उठा के और अपने नाम के साथ शेयर कर देते हैं। तो उससे ऐसे पता चलता है कि एज इफ दिस इज़ योर प्रोडक्शन और एज इफ दिस इज़ योर प्रॉपर्टी, एंड इन फैक्ट इट इज़ नॉट। सो यू शुड आइदर गिव अ प्रॉपर साइटेशन टू दैट। और इसके ऊपर आपने ये भी देखा होगा कि कभी कभी इंटेलेक्चुअल थिंग्स भी शेयर होती हैं। फॉर एग्जाम्पल, बहुत सारे लोग हैं, वो किसी किस्म के टिप शेयर करते हैं, किसी किस्म का नॉलेज शेयर करते हैं, या किसी किसी एरिया के टॉपिक पे किसी किस्म के डिस्क्रिप्शन या डेफिनेशन या अपने व्यूज़ शेयर करते हैं। तो वो उनको एज ए देयर पर्सनल व्यूज़ लिखते हैं, क्योंकि वो अपने नाम के साथ लिखते हैं। तो क्या ये उनके पर्सनल व्यूज़ हैं? और आपने अक्सर लोगों को देखा होगा, वो एक पूरी कोटेशन सी फेसबुक के ऊपर शेयर कर देते हैं, ठीक है, और वो कोटेशन बड़ी डीप होती है, और वो ऐसे लगता है जैसे ये कि ये अरिस्टोटल ने कही है या सोक्रेट्स ने कही है, ठीक है, ये किसी बड़े फलसफी ने कही है, लेकिन उन साहब ने अपने नाम के साथ शेयर की होती है, एज इफ दिस इज़ देयर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, विच इज़ अगेन नॉट राइट। और ये ज़्यादातर यंग पीपल के अंदर कॉमन है। आर वी ऑल क्रिमिनल्स ऑनलाइन? तो इसी के ऊपर एक पेपर हुआ था हेलकमा का, जो कि पब्लिश नहीं हुआ, उसका मैंने लिंक दिया हुआ है, लेकिन उसने ये बात की थी। तो क्या हम सारे फिर क्रिमिनल हैं ऑनलाइन? क्योंकि ऑनलाइन हम ऑलमोस्ट हर बंदा इस तरह की कोई ना कोई एक्टिविटी ज़रूर कर जाता है। या तो वो किसी की इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को शेयर कर जाता है, या किसी के वीडियो को शेयर कर जाता है विदाउट प्रॉपर साइटेशन। तो इसके ऊपर डिस्कशन इस पेपर में हुई हुई है। अगर अब हम वर्क की बात करें, तो वर्क प्लेस पॉलिसीज वर प्राइमरली फोकस्ड ऑन ईमेल एंड इंटरनेट यूजेज वाइल एट वर्क। नाउ सोशल मीडिया नीड टू बी टेकन इनटू अकाउंट एज वेल। अब जब काम किया जाता था वर्क प्लेस के अंदर, तो अक्सर ये बात की जाती थी, जो वर्कर्स नए हायर होते थे, न्यू हायरिंग में उनको कोड ऑफ कंडक्ट में भी बताया जाता था, और उनको ये कहा जाता था कि वर्क प्लेस में यू कैन ओनली यूज़ इंटरनेट फॉर ऑफिशियल वर्क ओनली, एंड स्पेशली ईमेल जो है वो आप अपने ऑफिशियल वर्क के लिए करें, या इंटरनेट का इस्तेमाल सिर्फ ऑफिशियल वेबसाइट के लिए ही किया जाए। अब उसके अंदर सोशल मीडिया का बहुत बड़ा इम्पैक्ट आ गया है कि ऑफिसेज के अंदर लोग वेबसाइट्स, सोशल मीडिया वेबसाइट्स यूज़ करते हैं। तो अब वो क्या सही है और किस हद तक सही है, और क्या उसको भी बैन होना चाहिए, ठीक है, और क्या सोशल मीडिया वेबसाइट्स जो हैं उनको ऑफिशियल वर्क के लिए यूज़ किया जा सकता है कि नहीं, और उसका कितना स्कोप होना चाहिए, कितनी लिमिटेशन होना चाहिए। सो देर इज़ अ लॉट ऑफ डिस्कशन विच इज़ रिक्वायर्ड टू बी डन इन दिस एरिया। ब्लरिंग ऑफ द लाइन बिटवीन वर्क यूज़ एंड प्राइवेट यूज़। अब इसके अंदर ये एक बड़ा ग्रे एरिया है, वेयर यू आर नॉट श्योर दैट व्हाट इज़ कंसीडर्ड एज वर्क एंड व्हाट इज़ कंसीडर्ड ए प्राइवेट यूज़। तो अब काफ़ी वर्क प्लेस ऐसे एरियाज हैं जिन्होंने स्पेसिफिकली ये बताना शुरू कर दिया है कि फेसबुक इज़ नॉट अलाउड और यूट्यूब इज़ नॉट अलाउड, ठीक है, कि आप नहीं यूज़ कर सकते इन मीडियम को ड्यूरिंग योर वर्क। अब कभी कभी ऐसा भी होता है कि आप फॉर एग्जाम्पल अपने कोलीग को ऑफिशियल टाइम ऑफिशियल आवर्स के दौरान अगर आप अपने किसी कुलीग को कोई मैसेज देना चाहते हैं जो कि ऑफिशियल मैसेज है, तो आपके पास मीडियम अगर नहीं मौजूद, तो आपको एटलीस्ट ये पता है कि उस बंदे का फेसबुक लॉगिन होगा, ऑन होगा, और मेरा भी है, तो आप उसको फेसबुक के मैसेज के थ्रू ऑफिशियल कंटेंट्स भेज देते हैं। तो क्या ये अब ऑफिशियल काम में आता है और ये ऑफिशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी में आता है, या इसे एज ए ऑफिशियल मैसेज कंसीडर किया जाएगा या प्राइवेट मैसेज कंसीडर किया जाएगा, ठीक है। और फिर आप लैपटॉप या कॉरपोरेट टैक्स फोन्स यूज़ कर रहे होते हैं, तो कॉरपोरेट ने आपको फ़ोन दिया हुआ है, उसके ऊपर इंटरनेट फैसिलिटी अवेलेबल है, उसके ऊपर अगर आप फेसबुक भी यूज़ कर रहे हैं, ट्विटर भी यूज़ कर रहे हैं,
तो साथ साथ में आप अपनी कॉरपोरेट या ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी काम कर रहे हैं उसी मीडियम के ऊपर, तो अब क्या उस मीडियम का कितना इस्तेमाल आपका प्राइवेट कंसीडर होगा, कितना ऑफिशियल होगा, और क्या ऑफिशियल के टाइम आपको प्राइवेट काम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? तो दीज आर न्यू इश्यूज विच आर अराइजिंग इन द एथिक्स ऑफ यूजिंग ICT. और इसी तरह लैपटॉप भी दिए होते हैं ऑफिशियल वर्क के लिए, फिर उस लैपटॉप में इंटरनेट यूजेज भी है, और कभी कभी तो ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से विंगल भी दी होती है जिसके अंदर इंटरनेट का कनेक्शन होता है. तो अब चूंकि वो विंगल दी हुई है ऑफिस की तरफ से, तो इफ़ यू आर ऑल्सो चेकिंग योर ऑनलाइन मैसेजेस ऑन फेसबुक और ट्विटर, वेदर दैट इज़ अ ब्रीच ऑफ कोड ऑफ कंडक्ट और वेदर दैट इज़ नॉन प्रोफेशनल ऑन योर पार्ट और नॉट, तो इन चीज़ों की ये दीज आर द एक्चुअली न्यू इश्यूज इन द टेक्नोलॉजी विच वर नेवर प्रेजेंट बिफोर. फॉर हाई एंड स्पेशलिस्ट रिजल्ट्स व्हाट मैटर्स. तो अक्सर जो हाई एंड प्रोफेशनल्स होते हैं या हाई एंड ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, तो वो तो ये कहती हैं कि द रिजल्ट्स ओनली मैटर. तो इफ़ यू आर प्रोवाइडिंग द रिजल्ट्स विच आर रिक्वायर्ड फ्रॉम यू, देन इट इज़ ऑलवेज ओके वेदर यू आर यूजिंग फेसबुक और एनी अदर वेबसाइट फॉर योर प्राइवेट यूज, एज लॉन्ग एज यू आर योर प्रोडक्टिविटी इज ओके एंड एज लॉन्ग एज यू आर प्रोड्यूसिंग वट इज एक्सपेक्टेड फ्रॉम यू, देन वट एवर यू वॉन्ट टू यूज इट्स अप टू यू. सो वेस्ट ऑफ टाइम आर्ग्यूमेंट इररेलीवेंट अनलेस क्लियरली अ प्रॉब्लम. हाँ, अगर क्लियरली कोई प्रॉब्लम हो तो दैट इज अनदर थिंग, बट एज लॉन्ग एज यू आर डूइंग योर प्रोफेशनल जॉब एंड यू आर फुलफिलिंग द ऑब्लिगेशन विच वर गिवन टू यू और द रिस्पॉन्सिबिलिटीज विच वर असाइंड टू यू, देन यू आर ओके एंड इट डजेंट मैटर वट काइंड ऑफ इंटरनेट यूजेज यू हैव एंड वट काइंड ऑफ वेबसाइट्स यू आर वॉचिंग इवन ड्यूरिंग योर ऑफिस आवर्स. तो आज का हमारा लेक्चर यहीं पर हम कंक्लूड करेंगे. तो आज के लेक्चर में हमने क्या देखा कि हमने डिफरेंट एरियाज देखे जिसके अंदर एथिकल इश्यूज आ रहे हैं और नए नए एथिकल इश्यूज आ रहे हैं उन डिफरेंट एरियाज में. अब इनको मीटअप करने के लिए जो एथिसिस्ट्स हैं उनको इनके अकॉर्डिंगली एथिकल रूल्स बनाने पड़ेंगे और इनके अकॉर्डिंगली नए प्रिंसिपल ऐड करने पड़ेंगे कोड ऑफ कंडक्ट के अंदर. तो इन न्यू इश्यूज के आने की क्या क्या सोर्सेज हैं, और हमने डिफरेंट एरियाज देखे कि उनके अंदर कौन कौन से नए इश्यूज आ सकते हैं. फिर हमने देखा कि यंग जनरेशन और जो टीनेज लोग हैं वो इन इश्यूज में सबसे ज़्यादा इफेक्टिव हैं और उनके लिए क्या लॉज डिफरेंट होने चाहिए. और फिर प्राइवेट डेटा जो डेलिबरेटली शेयर किया जाता है या जो अननोइंगली शेयर किया जाता है उनमें क्या फ़र्क है, और प्राइवेट डेटा किस तरह अननोन लोगों तक जा सकता है, और किस तरह का डेटा जो कि आप सोचते हैं विच यू कंसिडर्ड सेफ इज़ इट रियली सेफ, एंड वट एवर द डेटा यू वॉन्ट टू शेयर विद वट एवर पीपल वेदर दैट डेटा इज ओनली गोइंग टू दोज पीपल. ठीक है, तो इस तरह के हमने डिफरेंट इश्यूज देखे और डिफरेंट एरियाज में देखे, और हमने ये देखा कि उसके अंदर क्या क्या नए इश्यूज हैं जो कि आ चुके हैं, और हमने ये भी देखा कि उनके अंदर जब एथिकल प्रिंसिपल्स बनाए जाएंगे तो किन किन एंगल से उन इश्यूज को देखना चाहिए. तो आज का डिस्कशन हम यहीं कंक्लूड करते हैं. तो हम इसी टॉपिक को कैरी ऑन करेंगे हमारे नेक्स्ट लेक्चर में, और हम कुछ नए इश्यूज को देखेंगे, एंड वी विल ऑल्सो लुक दैट हाउ एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट कुड बी अप्लाइड ऑन दोज इश्यूज एंड ऑन दोज एरियाज, और इसी इसी लेक्चर को हम आगे लेकर चलेंगे. तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं.